वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चीजी चिकन पाव की रेसिपी। ये बहुत ही चीजी एंड इजीली बन जाता है दोस्तों। दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो इसे बनाना तो एक बार बनता ही है। ये अंदर से कितना चीजी है मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अंदर से ये कितना चीजी है आप देख ही सकते हो। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए इस बढ़िया सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? सूर्य किचन में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चीजी चिकन पाव बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चिकन। इधर हमने चिकन को अच्छी तरीके से धो के काट लिया है। अब हम इस चिकन को जार में डाल के अच्छी तरीके से पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने चिकन को बहुत ही अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब हम एक बाउल में इसे डाल देंगे। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे दोस्तों। मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हम ले लेंगे 1 टीस्पून चिकन मसाला और हम ले लेंगे 1 टीस्पून होममेड मसाला। दोस्तों ये जो होममेड मसाला, इसे मैंने घर पे ही बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी जानी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वहाँ जाके आप इसे देख सकते हो। वाकई में दोस्तों ये मसाला बहुत ही अच्छा होता है। आप इस मसाले को किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हो। अब इन सारे मसालों को एक साथ चिकन में ढाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। स्टफिंग बनाने के लिए और हमें चाहिए बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और धनिया पत्ती बारीक कटी हुई। और हमें चाहिए 2 इलायची। अब हम ले लेंगे एक पैन और उसमें ऑयल ढल के ऑयल को गर्म कर लेंगे। दोस्तों ऑयल को चारों तरफ से फैला देंगे इस तरीके से। ऑयल हमारा गरम हो चुका है दोस्तों। अब हम इसमें ढाल देंगे 2 इलायची। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है दोस्तों। हम जो स्टफिंग रेडी कर रहे हैं उसमें और गरम मसाला ना डालें दोस्तों। अब इसमें अदरक लहसुन भी ढाल देंगे और इसको भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। हल्का सा अदरक लहसुन भून जाने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। प्याज के भून जाने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हिला देंगे और इन सबको अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। मैरिनेट किए हुए चिकन को अब इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से चम्मच से बार बार मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब 10 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा के पका लेंगे। 10 मिनट हमारे हो गए हैं दोस्तों। मैं ढक्कन को खोल के देख लूंगी। हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है दोस्तों। ऊपर से अब हम धनिया पत्ती ऐड कर देंगे दोस्तों। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब इसको चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से चम्मच से हिलाते हिलाते 1 मिनट के लिए पका लेंगे दोस्तों। हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है दोस्तों। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है दोस्तों और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अब हम एक पाव ले लेंगे और उसको बीच में से कट कर देंगे इस तरीके से। अब हम पाव में 2 चम्मच चीज लगा देंगे दोस्तों इस तरीके से। हमने यहाँ पे अमूल चीज लिया है, आप कोई भी चीज ले सकते हो। जैसे हम लोग बटर लगाते हैं ब्रेड में, बिल्कुल उसी तरीके से हम चीज लगा लेंगे पाव में। चीज हमने बहुत ही अच्छी तरीके से लगा लिया है दोस्तों।
अब इसमें हम स्टफिंग डाल देंगे। इसके चारों तरफ अच्छे से हम स्टफिंग लगा देंगे दोस्तों। अब हम इसके ऊपर दोबारा से चीज लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि इसका नाम ही चीजी चिकन पाव है। आप इसकी जगह चीज स्लाइस भी ले सकते हो दोस्तों। चीज सबको ही पसंद आता है दोस्तों, तो हम चीज की मात्रा को ज्यादा ही रखें, ताकि जब हम इसे खाएं तो ये बहुत ही चीजी लगे। और बच्चों को तो चीज बहुत ही पसंद आती है दोस्तों, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। चीज को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से लगा दी है दोस्तों। अब हम पाव को ऊपर से बंद कर देंगे। अब एक पैन लेंगे और उसमें 2 चम्मच बटर को ढाल देंगे। बटर को चारों तरफ से फैला देंगे। अब इसके ऊपर चीजी चिकन पाव को रख देंगे। इसको अच्छी तरीके से सेंक लेंगे। दोस्तों ये रेसिपी बच्चों से लेके बड़ों तक को पसंद आने वाली रेसिपी है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करती हैं तो आपके घर वाले इसे बहुत ही चाव से खाएंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। ऊपर से भी बटर लगा देंगे। अब इसको पलट के दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से सेंक लेंगे। हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सेंक लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये रेसिपी कितनी जल्दी बन के रेडी हो गई है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितना चीजी बना है। ये देखिए दोस्तों, खाने का मन तो आपको भी कर रहा होगा, तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना। मैं अंदर से भी दिखा देती हूँ दोस्तों। ये देखिए कितना चीजी बना है, उतना ही टेस्टी भी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करने के लिए मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही यूनिक और टेस्टी रेसिपीज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।